सिटी का सरताज आखिर कौन होगा, पूरी पिक्चर अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगी क्लियर। बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं शुरुआत, और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा दादरी नगर पालिका से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी गीता पंडित 3000 वोटों से आगे चल रही है। मिर्जापुर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी आगे, बीजेपी प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। फासला हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो गई है। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी रीना ने जीत दर्ज की है। मुकाबला बेहद दिलचस्प यहां पर नजर आ रहा है, बीजेपी का प्रदर्शन शानदार। ग्रेटर नोएडा दादरी नगर पालिका से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी तरन्नुम जुड़ गई हैं। तरन्नुम का रुख करेंगे, आपके पास क्या अपडेट है तरन्नुम, कौन कौन सी सीट से कौन कौन फिलहाल आगे चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या? अंजलि और इस वक्त के बिल्कुल बिल्कुल अंजलि और इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर AIMIM के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नगर पंचायत कुंदरकी से AIMIM, बिलारी नगर पालिका से बीजेपी आगे चल रही है। और ऐसे में अभी तक की अगर रुझानों की बात कर ली जाए तो बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अभी अलग अलग दल जो है उनके लगातार आंकड़े में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये जो अभी तस्वीरें, आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। आपको बताते चले कि अभी जो यहाँ पर रुझान जो निकलकर सामने आए, मुरादाबाद से अगर बात कर ली जाए तो AIMIM प्रत्याशी सबसे आगे चल रहे हैं, तो वही नगर पंचायत में कुंदरकी से AIMIM आगे है और बिलारी नगर पालिका से बीजेपी आगे चल रही है। और लगातार हम अपडेट जो है आप तक पहुंचा रही है, महा कवरेज जारी। और इसी बीच ये जो खबर निकलकर सामने आई है, रामपुर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर स्वार विधानसभा सीट से अपना दल प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और आपको बताते चले कि इसी तरीके से अब रुझानों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा क्लियर हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो मुरादाबाद से है, जहां पर AIMIM के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर अभी पूरे आंकड़ों की बात कर ली जाए तो बीजेपी अभी तक के रुझानों में सबसे आगे चल रही है। कई ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि दावे तमाम किए गए थे अलग अलग पार्टियों की तरफ से, लेकिन वो तमाम दावे जो है जमीनी स्तर पर खोखले साबित हुए हैं, और इसी कड़ी में बीजेपी फिलहाल आगे है। लेकिन मुरादाबाद सीट की बात की जाए, जो कि सबसे खास सीट मानी जा रही है, वहां से AIMIM के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और नगर पंचायत कुंदरकी की अगर बात कर ली जाए तो वहां से भी AIMIM आगे चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिलारी नगर से बीजेपी आगे चल रही है। और ऐसे में आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा स्पष्ट हो सकती है, क्लियर हो सकती है। और लगातार अभी कई राउंड की काउंटिंग अभी फिलहाल बाकी है, लेकिन अभी तक के रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी फिलहाल सबसे आगे चल रही है। अंजलि, ठीक है तरन्नुम, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख अब करेंगे। ब्रिजलाल खाबरी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर, बधाई देती हूं कर्नाटक के लिए आपको, शानदार प्रदर्शन वहां पर आपका, आप सरकार बना रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की बात करें तो स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। ब्रिजलाल खाबरी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क शायद नहीं बन पा रहा है, जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, लेकिन किस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, देखिए जो एग्जिट पोल थे वही एग्जैक्ट साबित होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी का प्रदर्शन शानदार है, लेकिन समाजवादी पार्टी झटका कह सकते हैं, जिस तरह से तैयारी में जुटी हुई थी मैदानी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद अखिलेश यादव ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था, उस हिसाब से नतीजे नहीं आ रहे हैं सामने। मेयर पद की अगर बात करें तो एक भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अलग अलग पदों के लिए सुबह से ही वोटों की गिनती चल रही है। दो अलग अलग चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए थे, आज परिणाम का दिन है, और एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आए थे नतीजे भी उसी तरह से सामने आ रहे हैं। निकाय चुनाव का पूरा समीकरण गाजियाबाद का फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, कुल मतदाता कितने रहे, पुरुष मतदाता कितने, महिला मतदाता कितने, और आंकड़ा क्या है नतीजों का, ये भी लगातार जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, चूंकि 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के इन चुनावों को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। जाहिर है बीजेपी 2024 के लिए जो टारगेट है वो 70 प्लस का लेकर चल रही है, 75 प्लस का लेकर चल रही है। ऐसे में ये चुनाव के नतीजे कितना
असर डालेंगे ये देखना होगा। मेरे साथ चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी न्यूज रूम से जुड़े हैं, इसके अलावा मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मिश्रा का पहले रुख कर लेते हैं। मनोज मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं इन परिणामों को? अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा लिटमस टेस्ट के तौर पर 2024 से पहले इन चुनावों को देखा जा रहा है? मनोज मिश्रा शायद मेरे साथ नहीं है, चैनल हेड अरविंद जी का रुख कर लेती हूं। अरविंद जी, क्या कहेंगे रुझानों को देखकर फिलहाल जो अभी तक आए हैं सामने? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से आगे चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से निर्दलीय इस चुनाव में बुरी तरीके से जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी से ही टूट कर आए थे, और ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये है, ये समझना होगा, सोचना होगा कि जो लोग टिकट बांट रहे थे वहाँ पे क्या कमियाँ रह गई, क्या गड़बड़ी हो गई, इसको समझने की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे अपडेट्स जो है लोगों को बताए जाएं। शाहजहाँपुर में अभी फिलहाल जो मैं आपको बता दूँ, शाहजहाँपुर का डिटेल आपको बताना चाहता हूँ, सातवां राउंड चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की अर्चना वर्मा जो है 39,682 वोटों से जो है पा चुकी हैं, और कांग्रेस की निकहत इकबाल जो कि उनके जस्ट पीछे चल रही है, यानी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो रही है। शाहजहाँपुर में ये मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण ये था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में बागियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपनी आगे बात जरूर बढ़ाइएगा अरविंद जी, पूरा विश्लेषण भी करना जरूरी है और आप इसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जुड़ गए हैं। बृजलाल खाबरी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बृजलाल खाबरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उसको क्या करेंगे, चलिए संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन जरूर हम ये उनसे जानना चाहेंगे कि कर्नाटक में तो प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बहुत पिछड़ी हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, और हमने देखा है विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं खोती हुई उत्तर प्रदेश में कम से कम नजर आती है। पूरी ताबड़तोड़ दौरे, चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनावों की बात करें, तो राहुल और प्रियंका गांधी ने किए, लेकिन उसका उस तरीके से नजर असर नहीं आया है। और निकाय चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है। परिवर्तन भी किया गया लेकिन किसी तरह से ग्राउंड पर उसका नजर नहीं आया है कोई असर। अब आगे क्या होगा, अगला स्टेप कांग्रेस का ये देखना होगा। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन देखिए शानदार रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा संभाला, एक के बाद एक सभी जगहों पर सीएम योगी खुद गए, उनकी तरफ से दौरे किए गए। गाजियाबाद की क्या तस्वीर, मेयर प्रत्याशी कौन कौन थे ये हम आपको बता रहे हैं, विनोद अग्रवाल, तुलसीराम शर्मा, राजकुमार रावत, प्रवीण भारद्वाज, ये मथुरा मेयर प्रत्याशी। और मेयर पद की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं ला पाई है, खाता तक नहीं खोल पाई है मेयर पद पर। 17 मेयर के पद उत्तर प्रदेश में जहां पर चुनाव हुआ, और यहां पर एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं निकाल पाई, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी नहीं निकाल पाई। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए सोचने की बहुत ज्यादा मंथन चिंतन करने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाया प्रचार प्रसार में, लेकिन उसका असर उस तरीके से नजर नहीं आया उत्तर प्रदेश में। इन नतीजों को देखकर कम से कम कह सकते हैं कि बीजेपी फिलहाल बहुत आगे। बृजलाल खाबरी जी मेरे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। बृजलाल खाबरी जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी हाँ, आवाज आ रही है। बहुत स्वागत है बृजलाल खाबरी जी आपका इंडिया न्यूज पर। आवाज आ रही है। कर्नाटक के लिए आपको बहुत बधाई, सरकार बना रहे हैं वहां पर आप, लेकिन उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में तो मानो कांग्रेस पार्टी गायब सी है। कि हमने पिछले बार भी कहा, इस बार भी कह रहे हैं, जो हम नगर निकाय के चुनाव में करने जा रहे हैं पिछले बार से बहुत अच्छा करेंगे। अभी रिजल्ट बहुत बाकी हैं, नगर पालिका नगर पंचायतों के रिजल्ट में बहुत देरी है। जहाँ तक सवाल आपके नगर निगम का है, तो नगर निगम चूंकि
ईवीएम से था वो रिजल्ट आ गए हैं, पिछले बार भी हमारे पास नहीं था, लेकिन पिछले बार हम जिन सीटों पर सेकंड थे और अच्छी तरीके से हम सेकंड पे पहुंचेंगे, जहां पे हम थर्ड थे, थर्ड को हम सेकंड में बदलने के लिए चुनाव लड़े हैं। काफ़ी हमारी लड़ाई अच्छी है, मतदाताओं ने मन बनाया है कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं पिछले बार के मुकाबले रिजल्ट अच्छे हैं, तो क्या यही टारगेट था कांग्रेस पार्टी का कि पिछले बार के मुकाबले सिर्फ रिजल्ट अच्छे हों? नहीं, टारगेट तो हर आदमी जब कोई लड़ाई लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, क्योंकि जीत जब होती है जब लोग तैयार हों। लोगों को तैयार करने में जो समय मिला हमने बराबर तैयारी की है, और जो तैयारी करने के बाद रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे नेताओं के लिए हौसला अफजाई के लिए हैं, और आगे आने वाले टाइम पर और मेहनत करेंगे। जो रिजल्ट आज कर्नाटक में दिखाई दे रहा है कल उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कर्नाटक क्या जिक्र चुकी आपने किया, कर्नाटक में तो आप लोगों ने 5 गारंटीज का जिक्र किया, 40% भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि राह इतनी आसान होगी? आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में तो रिजल्ट अच्छा आया, अब बारी यूपी की है। यूपी में अगर हम देखें, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, अभी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही आपकी पार्टी। नहीं, आज नजर नहीं आ रही, कल तो नजर आ रही थी, जब कल आएगा तो फिर नजर आएगी कांग्रेस। लगता नहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में? इससे पहले राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरे लोकसभा चुनाव के लिए भी, लेकिन वो भी कुछ तो कमाल नहीं कर पाए। बड़े स्तर से किया जाता है, जब चुनौतियां बड़ी होती हैं तो मुकाबला करने के लिए भी बड़ा ओरा बनाना पड़ता है। हम लोग लोकसभा की तैयारी के लिए कल से ही जुट जाएंगे, और जो हम उम्मीद कर रहे हैं उस उम्मीद को पूरा करने में अपना सब कुछ लगा करके आने वाले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश भी किसी प्रदेश से पीछे नहीं होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब क्या ये पूरी जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं यूपी किसी से पीछे नहीं होगा, आपके कंधों पर ही है ये पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि नए आप अध्यक्ष बने, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, और वहां पर अगर कांग्रेस की बात करें उत्तर प्रदेश में तो उस तरह से नेता जो हैं ग्राउंड पर वो नहीं उतरते हैं, काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा वीक है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी क्या आपके कंधों पर है या पूरी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कमजोर हैं, लेकिन कमजोर भी कभी मजबूत होते हैं, और कल जब हम मजबूत थे तो आज कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम फिर मजबूत होंगे। ये कार्यकर्ताओं का खेल है, कार्यकर्ता और जनता जब इकट्ठी होती है, मतदाता जब मन बना लेता है, जनता जनार्दन जब तय कर लेती है कि हमें इस दल को आगे ले जाना है, इससे में ही हमारी भलाई है, तो देश की जो भलाई है, लोकतंत्र जो बचाना है, संविधान जो बचाना है, तो देश की जनता की, जनार्दन की जिम्मेवारी है, और वो उन्होंने तय कर लिया है। कर्नाटक एक उन्होंने सबक दिया है कि हमने यहाँ से शुरू किया है, और आने वाले जो भी हमारे इस 24-23 में जहाँ जहाँ चुनाव और आ रहे हैं वहाँ पे भी हमारा यही रेशियो चलेगा, और इसी इस रफ्तार में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इन चुनावों की बात करें तो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सबसे पीछे अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से पीछे कांग्रेस है, और मेयर पद पर तो खाता तक नहीं खुल पाया है आप लोगों का। नहीं नहीं, बिल्कुल खाता न पिछले बार था, इस बार प्रयास किया जा रहा था और किया जा रहा है, अभी भी हम लोग गिनती में हैं। खाता खुलना न खुलना एक अलग बात है, लेकिन जिस हौसले के साथ जिस नगर निगम के चुनाव को हमने लड़ा है, हमारे कार्यकर्ता और नेताओं ने लड़ा है, वो कहीं भी शंका की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़े हैं, रिजल्ट आना ना आना ये तो जनता के हाथ में है। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा सरकार का वो भी आया है, सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर वोट काटे हैं, जिस तरीके से पुलिस का उपयोग किया है, लाइन में लगे मतदाता उनको लाठी मार के भगाया जा रहा है, कबीले के कबीले, मोहल्ले के मोहल्ले से वोट हमारा साफ कर दिया गया है, तो ये डर ही तो था भाजपा को वोट काटना, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में जिन लोगों ने पिछले बार वोट दिया है, दर्जनों के सैकड़ों के हिसाब से वोट काट दिए गए हैं, ये डर ही तो था भाजपा को।
कि अगर ये वोट तो बना रहा, क्या लगता तो नहीं है आपको खाबरी साहब, ये तो वही वाली बात हो गई ना, लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस, अब तो बहाना कुछ भी बनाइए आप। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ हरेंद्र चौधरी भी जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर है हमारे, वो सवाल करना चाहते हैं आपसे कुछ। हरेंद्र जी, यार वो बहाना नहीं बना, हम आप कहेंगे तो हम आपके उसे प्रमाण दे देंगे। हरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आप आवाज नहीं आ पा रही आपकी। जी दिल्ली, मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कीजिए अपना खाबरी साहब से। खाबरी साहब, जैसा मेरे सहयोगी अभी कुछ देर पहले कह रही थी, मेरी तरफ से भी कर्नाटक में जो कांग्रेस परफॉर्म कर रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन बात हम यूपी की कर रहे हैं, तो यूपी में कांग्रेस हार जीत एक अलग मसला है, लेकिन कांग्रेस यहाँ ग्राउंड लेवल पे कहीं लड़ती हुई नजर नहीं आई, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? खाबरी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? खाबरी जी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज अब शुरू हुई है आना बंद। बिल्कुल खाबरी साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं हरेंद्र चौधरी, वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नतीजे हैं वो ठीक हैं और मेहनत आगे करेंगे। हरेंद्र पूछ रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल भी नजर नहीं आते, इन चुनावों के लिए भी उस तरीके से तैयारी नहीं की थी आप लोगों ने? हमारा जो काम है ग्राउंड लेवल पे जो था वो दिखाई दे रहा है, जो नहीं था वो हम उसके लिए हाँ नहीं कहेंगे। जितना काम हमने किया है इन दिनों में, आज हम उसी वजह से दिखाई दे रहे हैं और आगे भी हमारा काम जारी है। आगे आने वाली जो भी चुनौती होगी उस चुनौती का मुकाबला करके कांग्रेस फिर से उत्तर प्रदेश में अपना वजूद दिखाएगी। अभी यानी कि अभी सिर्फ आप लोगों ने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है अपनी इन चुनावों में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अस्तित्व तो बचाने ही है, अस्तित्व की लड़ाई तो पहली होती है, लेकिन रिजल्ट भी हमारे साथ होगा। मैंने ये कहा था कि पिछले बार के जो रिजल्ट हैं उनसे कहीं बेहतर इस बार कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में करेगी और उम्मीद भी है। चलिए, यानी कि अभी आपको उम्मीद है कि अभी ट्रेंड्स जो आ रहे हैं वो और कुछ बदलेंगे। हरेंद्र सवाल कीजिए अपना। खाबरी जी, ये जो जो लाइनें आपने बोली है ये तय लाइन है जो हर चुनाव के बाद यूपी कांग्रेस की तरफ से सुनने को मिलती है और इस बार भी कमोबेश वही शब्द आपकी तरफ से दोहराए जा रहे हैं, तो जमीनी स्तर पे कांग्रेस जो है यहाँ पर लड़ती हुई कब दिखाई देगी? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। आपने सवाल सुना खाबरी साहब जी? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल आपकी। ठीक है, उनके भी आप पर नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही हरेंद्र जी की, कोई सवाल नहीं जी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप बातें तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पर हम लड़ेंगे, लेकिन आखिर वो कब वक्त कब आएगा? हर चुनाव में यही रटी रटाई बात सुनते हैं हम। नहीं, हमने हर रटी रटाई बात नहीं कही है, ना हम पिछले बार रटी रटाई बात कह रहे थे। मैं जो कह रहा हूँ वो फिर दोहरा रहा हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आने वाले कोई भी चुनाव होंगे उसमें आएगा। इस बार मैंने जो तैयारी की थी उस हिसाब से मेरे सामने रिजल्ट है, मैं तैयारी लगातार कर रहा हूँ। पिछले बार से इस बार हमारा जो निकाय चुनाव से बिल्कुल दूर रहे, पूरा फोकस उनका कर्नाटक पे रहा, यूपी की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी रुख नहीं किया। सबसे बड़ी वजह क्या क्या बताना चाहेंगे इंडिया में उसके दर्शकों को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दीदी, प्रियंका जी को जो जिम्मेवारी मिली थी वो कर्नाटक में बड़े बड़े कार्यक्रमों की, उन्होंने वो कार्यक्रम किए हैं, उसका रिजल्ट सामने है। और जहाँ तक सवाल यूपी से मुंह मोड़ने का है, बिल्कुल नहीं है। जहाँ जिसको जिम्मेवारी दी जाती है वहाँ जाया जाता है, हमें जो जिम्मेवारी दी गई है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी की जो आप बात करें, कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है, वहां जब प्रचार किया उन्होंने, कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई थी। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता इस उम्मीद में था कि प्रियंका गांधी आएंगी और नई ऊर्जा का संचार करेंगी और एक जो पुरानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दिखाई देती थी वो अब यहाँ पे जमीनी स्तर पे दिखाई देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या वजह मानते हैं? नहीं, इसमें कोई वजह नहीं है। वजह तो देखिए, इस समय जो सरकार है यहाँ पर, उस सरकार को कितना नीचे जाकर के अपना लाभ दिखाई देता है वो उतने नीचे जाती है। सरकार ने किस तरीके से निकाय चुनाव को प्रभावित किया है पुलिस के द्वारा, वोटर लिस्ट से तमाम नाम हटा करके अपने पक्ष में जो करने का जो नाटक किया है सरकार ने, वो लोकतंत्र के हित में नहीं है।
बिल्कुल देखिए, ये आरोप है, आप सरकार पे लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है शायद मेरी बात से आप इत्तफाक कर रखें, लेकिन कई जगह खावरी जी देखा है कि जो जिला संगठन है कांग्रेस का संगठन, उसके लिए भी जिम्मेदार पदाधिकारी आपको ढूंढने से नहीं मिलते हैं, तो ये कमोबेश हालात जो है कब बदले गए? नहीं नहीं, ये हालात बदले जाएंगे, प्रयास किया गया है इस हालात को बदलने के लिए, चूंकि चुनाव आ गए तो हम इन हालातों से रूबरू हुए हैं, हम सारी जानकारी कलेक्ट कर चुके हैं, आने वाले टाइम पर इस हालात से भी हम लेकिन लगता नहीं है कि अब रिवाइवल की बहुत ज्यादा जरूरत है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, के साथ निपटेंगे। लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, एक साल से भी कम का वक्त अब बचा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिवाइवल की जरूरत है और उस काम को किया जाएगा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश स्तर के नेता सब मिल करके इस पर विचार विमर्श करेंगे और आने वाले टाइम में जो भी चुनाव लोकसभा का है उसकी पूरी तैयारी की जाएगी। बिल्कुल आप कह रहे हैं लोकसभा चुनावों की पूरी तैयारी की जाएगी और तैयारी करने की जरूरत भी है। फिलहाल अभी जिस तरह के नतीजे देखे जा रहे हैं, बीएसपी एक सीट ले गई मेयर पद की, लेकिन आप लोगों की एक भी सीट नहीं आ पाई, क्या लगता है कि अब आगे जमीनी स्तर पर भी काम करना होगा? जो वोट बैंक पूरे तरीके से खिसक चुका है आप लोगों का, उस वोट बैंक को साथ लाने के लिए मैदान में उतर कर कड़ी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें हम लोग हमारी टीम पीछे नहीं है, आगे आने वाले टाइम में पूरी मेहनत करके लक्ष्य हमारा यही होगा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम वो रिजल्ट लेके आए जिससे हम देश में सरकार बना सकें, इस तैयारी में हमारे सभी साथी लगेंगे। और बिल्कुल लगने की जरूरत भी है। हरेंद्र जी, अगर कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रदर्शन को हम देखें तो एसपी और बीएसपी अन्य जो हैं वो भी आगे नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको? आपने वहां पर पूरा नजर बनाए रखी है प्रचार प्रसार में भी, क्या प्रचार प्रसार में कमी रही, क्या स्ट्रैटेजीज में कमी रही, क्या जनता के बीच उतर पाने में ही कामयाब नहीं हो पाई कांग्रेस पार्टी, क्या कहां किस तरह की आपकी आपको नजर आती है कमी? बिल्कुल देखिए अंजलि, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बातें कर रहे हैं थी और मैं वही बातें दोहराना चाहूंगा। देखिए हार जीत एक अलग मसला है, पूरी शिद्दत के साथ पूरे प्रयासों के साथ में जमीनी स्तर पर लड़ना बहुत बेहद जरूरी है। कांग्रेस की तरफ से वो प्रयास यहाँ पे यूपी में नजर नहीं आए, निकाय चुनाव में भी चूंकि शहर की सरकार है इसमें जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, हर वार्ड में हर बूथ लेवल पर जाके जो मेहनत करनी पड़ती है, कांग्रेस का संगठन अभी उस तरह से यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाया। जब से प्रियंका गांधी आई लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा से पूरी तरह से नई ऊर्जा के संचार के साथ में जीवित हो और पूरा संगठन जो पूरे प्रदेश में जगह जगह दिखाई दे पूरी मजबूती के साथ में, तो वो जो जमीनी तौर पर जो तैयारियां जो कमी है उसके चलते कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने से पहले हारती हुई नजर आई और बैकफुट पे नजर आई थी, और उसमें जो बची हुई कसर थी वो प्रियंका गांधी के यूपी ना आने की वजह से, और प्रियंका गांधी के देखिए अजमिंदा यूपी ना आने की सबसे बड़ी वजह यही थी, वो पहले ही कांग्रेस को जो तस्वीर थी वो नजर आ रही थी, इसी वजह से प्रियंका गांधी को एक और चुनाव में यूपी में आने के बाद अपेक्षित परिणाम ना आने के जो उनके ऊपर जो डेंट लगने वाली जो बात कही जा सकती है, इससे बचने के लिए प्रियंका गांधी का पूरा फोकस कर्नाटक पे था और संगठन न होने की वजह से कार्यकर्ता न होने की वजह से कांग्रेस जो है अभी भी लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, हरेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ खाबरी साहब आप हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत शुक्रिया। बाकी खास मेहमान है, तरुणम का रुख कर लेती हूँ, न्यूज रूम से मेरे साथ तरुणम है। तरुणम, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं और कौन सा ब्रेक? सुल्तानपुर सुल्तानपुर से खबर, मृतक सभासद प्रत्याशी संतराम को लेकर कल हार्ट अटैक से निर्दलीय प्रत्याशी का निधन, निराला नगर वार्ड से चुनाव लड़े थे मृतक संतराम, सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जीत हुई है मृतक सभासद प्रत्याशी की, कल हार्ट अटैक से निधन हो गया था, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अब आज चूंकि नतीजे सामने आ रहे हैं ऐसे में जीत हुई है, जीत की खबर मिल रही है। निराला नगर वार्ड से जीत हुई है मृतक प्रत्याशी की। तरन्नुम, क्या पूरी खबर? नगर निगम में 8 राउंड की तरन्नुम आप सुन पा रही है मुझे?
चलिए तो सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल हार्ट अटैक से निर्दलीय प्रत्याशी का निधन हो गया था। आज नतीजे जब सामने आ रहे हैं तो जानकारी ये मिली है कि संतराम की जीत हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार थे और जीत इनकी हो गई है। हार्ट अटैक कल आ गया था, हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई और अब जानकारी ये मिल रही है कि जीत हुई है। निराला नगर वार्ड से मैदान में थे संतराम, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से हस्तिनापुर नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही हैं। सुनीता रानी फिलहाल आगे चल रही हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। बीजेपी राज्य मंत्री की बहन सुधा खटीक पीछे चल रही हैं। मेरठ हस्तिनापुर नगर पंचायत से यह अपडेट, निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता रानी आगे चल रही है फिलहाल, पीछे है बीजेपी की सुधा खटीक जो कि राज्य मंत्री की बहन है। निर्दलियों का दबदबा देखिए देखा जा रहा है, बागी जो है वो नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं और ये नुकसान सीधे तौर पर फिलहाल समाजवादी पार्टी को नजर आता है क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। अभी तक अगर हम बात करें 17 मेयर के पद, जिसमें से 17 में से 16 सीटों पर बीजेपी का कब्जा फिलहाल। शफीक अंसारी को कुल 68,513 वोट मिले हैं। सपा की प्रत्याशी अनुराधा की बात करें तो 59,679 वोट मिले हैं। रामपुर का अपडेट अब आपको दे रहे हैं हम। स्वार से अपना दल एस के शफीक अंसारी ने जीत दर्ज कर ली है। स्वार विधानसभा से शफीक अंसारी की हुई है जीत। 8,824 वोटों से अपना दल के शफीक अंसारी जीते हैं। शफीक अंसारी को कुल 68,513 वोट मिले हैं।